Hello student, welcome to Learning Easy Science classes. This is Saurabh. So let us discuss about our next part of this video. So आज हम देखेंगे communicable diseases क्या होती हैं. उस दिन हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देखा था कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फोई हैं यानी कि दुश्मन हैं. तो बात करते हैं द डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया. तो टू टाइप्स की डिसीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. देखो कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेबल कम्युनिकेट से बना, कम्युनिकेट का मतलब होता है आप बातचीत करना आमने सामने, ठीक है. तो ऐसी डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं बाई डायरेक्ट और बाई इनडायरेक्ट मेथड, तो ऐसी डिसीज़ क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिसीज़. और इनको दूसरा नाम क्या, इन्फेक्टियस डिसीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं, वो डिसीज़ जो ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जो फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरी पर्सन में, उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. तो एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल हैं जैसे टीबी हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड, मलेरिया, डायसेंट्री, ठीक है. ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है किस कैसे फैलती है, या तो कंटामिनेटेड फूड या तो बेकार खाना होगा, वाटर, एयर, इंसेक्ट, इन्फेक्टेड क्लॉथ्स, यूटेंसिल, बेकार बर्तन, ये इनके द्वारा फैलती हैं. तो अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. उससे पहले मैं नॉन कम्युनिकेबल के एग्जांपल बताऊं तो लिख लेना. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल हैं जैसे डायबिटीज़ हुआ, कैटरेक्ट हुआ, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हुआ. तो अब बात आते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, और कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेबल डिसीज़ ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो फर्स्ट वन कि जो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो दो मेथड से फैलती हैं, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में सबसे पहले आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. द इन्फेक्शन मे बी कॉज बाई डायरेक्ट स्किन टू स्किन, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और आप उससे टच हो रहे हो, ठीक है, स्किन टू स्किन या मुँह से मुँह लगा रहे हो, तो फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. कौन कौन सी डिसीज ऐसे ज़्यादा फैलती हैं, जैसे लेप्रोजी हुआ, एक्जिमा हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ, आई का इन्फेक्शन. आपने देखा होगा किसी के गुलेरी निकल आती है तो आप उसे एकदम आई टू आई देखते हो ना, सामने स्किन टू स्किन अगर टच हो जाती है तो आपकी भी आँख निकल आती है. तो ये आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मान लो किसी आदमी को बीमारी है, वो खांस रहा, छींक रहा, ठीक है, कफ निकाल रहा है, तो वो जो कफ निकाल रहा है उस ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरी की बॉडी में जाएंगे जब हम सांस लेंगे. मान लो किसी के खांसी हो रही है, उसके पास हम खड़े हैं, वो खांस रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारी सांस से उसके जो बैक्टीरिया हैं वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे खांसी हो जाती है बहुत जल्दी, तो देख बोलते हैं ना तेरे को खांसी हो रही है तो मेरे पास मत बैठ, तो यही है डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है. थर्ड है आपका इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज. मान लो आप हॉस्पिटल्स में हो, हॉस्पिटल्स में क्या पता आपको किसी पेशेंट की सुई लगा दी गई, दूसरी सुई लगा दी गई जो पहले से ही इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो जो सुई और सिरिंज है उनसे भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं. जैसे आपका रेबीज़ वायरस है, रेबीज़ वायरस जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है. एड्स का वायरस, एड्स वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ पर्सन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन. और एड्स का वायरस कैसे बॉडी के अंदर आ जाता है, जब हम खून का आदान प्रदान करते हैं, जैसे किसी को खून की ज़रूरत है तो मेरे को खून देना उसको, और वो इन्फेक्टेड पर्सन है, और वो इन्फेक्टेड पर्सन है यानी कि वो एड्स का मरीज़ है, तो उसके खून के द्वारा मेरे अंदर क्या आ जाएगा, एड्स का वायरस आ जाएगा. तो ये थे डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, या फिर इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज लगा दी. अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. आपको नहीं पता ये खाना अच्छा है या बेकार है, आपने खा लिया लेकिन वो खाना निकल आया इन्फेक्टेड, तो आप बीमार पड़ सकते हो. कुछ कैरियर्स हैं जैसे मॉस्किटो के काटने से, हाउस फ्लाई के काटने से, चूहे, फी, मक्खियाँ, ठीक है, डाइटी क्लॉथ्स, टॉवल, हैंडकरचीफ, ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, यानी कि इनको छूने के बाद हमको डिसीज़ होती है, ठीक है. अब बात आती है सर एक हमें समझा दो, स्प्रेड ऑफ डिसीज़ बाय इंसेक्ट, यानी कि कीटाणुओं से काटने से हमें कैसे बीमारी होती है. तो देखो डिसीज़ आर कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है हमें बीमारियाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ.
तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं किसके थ्रू, या तो एयर के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या फूड के थ्रू। अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं लाइक फ्लाइज हैं, मॉस्किटो, कॉकरोच, ऑल्सो स्प्रेड अस डिसीज़। ये कैसे डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं कि ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने हेयर्स के थ्रू, अपने पैरों के थ्रू लेकर आते हैं और दूसरे की बॉडी में एंटर करवा देते हैं। कैसे एंटर करवा देते हैं, देखो कि जो आपकी हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खियाँ होती हैं, आपने देखा मक्खियाँ सबसे गंदी होती हैं, ठीक है, गंदी गंदी जगह पे ये जाती हैं, वहीं पे रहती हैं। तो इनके जो ये स्टिकी हेयर लग रहे हैं ना फिगर में, देखना इन हेयर्स पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं, उन हेयर्स पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं जहाँ पे ये बैठती हैं। फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी खाने के ऊपर जाएंगी, बैठ जाएंगी, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, खाने के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उस खाने को हम खाएंगे, तो अल्टीमेटली वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ चला गया, हमारे पेट के अंदर चला गया। जब वो पेट के अंदर चला गया तो हमें बीमारी हो गई, है ना। तो यही लिखा हुआ, हाउस फ्लाई फीड एंड मल्टीप्लाई ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जितना भी गंदगी होती है वो सब जो हाउस फ्लाई है वहीं बैठती हैं, ठीक है। तो जब ये हाउस फ्लाई गार्बेज या कूड़े करकट पे बैठती है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक टू देयर फीट, चिपक जाते हैं इनके फीट से, हेयर से। तो जब ये हाउस फ्लाईज खाने पे बैठते हैं तो ये जर्म ट्रांसफर हो जाते हैं वहाँ से फूड में, ठीक है। तो वो फूड कैसा हो जाता है, बेकार हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। जब उस फूड को हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं और हमारी बॉडी कैसी पड़ जाती है, सिक पड़ जाती है, बीमार पड़ जाती है। तो जो हाउस फ्लाई है वो करीब 20 डिसीज़ कर देती है ह्यूमन के अंदर। तो इसीलिए आपको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कौन कौन सी डिसीज़ कर सकते हैं, जैसे हैजा कर देते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, और ये बहुत वेरी डेंजरस डिसीज़ हैं, बहुत खतरनाक है, इंसान मर भी सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने घर को सुरक्षित रखें, साफ रखें, ठीक है। अब कैरियर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो कैरियर और वेक्टर यही होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं। कैरियर और वेक्टर हम उन इंसेक्ट्स को बोलते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया को लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्कूल कौन लेके आता है, बस लेके आती है, ऐसी डिसीज़ को कौन लेकर आता है, ये इंसेक्ट्स लेके आते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हुआ, इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं। मलेरिया की मैं बात करूं तो मलेरिया किससे होता है, एनाफोलीज मॉस्किटो से होता है। अब इस मलेरिया को कौन लेके आएगा, प्लाज्मोडियम लेके आएगा, जो एक प्रोटोजोआ है। कैसे लाएगा कि जब कोई फीमेल हो, एनाफोलीज होगी, वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसके अंदर मलेरिया, उसके अंदर से ब्लड को पिएगी। अब उस वो एनाफोलीज जो मॉस्किटो, उसको कौन लेके आएगा, प्लाज्मोडियम लेकर आएगा और अपने आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो एनाफोलीज का मॉस्किटो, वो अपने आप को बहुत डिवाइड करेगा, डिवाइड करता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे आप क्या बीमार पड़ जाओगे। तो ये क्या है, दीज आर द कैरियर्स हैं, जैसे कॉकरोचेज भी हुए, मॉस्किटो हुए, ठीक है। अब नाउ द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस इन ह्यूमंस, के अंदर कौन कौन से डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलेरा, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, याद रखना, बैक्टीरिया से होता है कॉलेरा। कैसे ट्रांसमिट होता है, या तो वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू। प्रिवेंशन मेजर्स क्या है कि गंदगी ना करो, अपने आसपास में गंदगी ना करो, चारों तरफ साफ सफाई रखो। दूसरी बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है, एयर से होती है। और इसका जो प्रिवेंशन है वो कैसे रोकथाम होती है कि हम वैक्सीन लगाते हैं। कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलेमिटी यूरिन। टाइफाइड, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, वाटर और एयर के थ्रू, ठीक है। जितना भी ह्यूमन का वेस्ट होता है, बेकार बेकार गड्ढे गड्ढे वगैरह हैं जिसमें नाले वाले हैं, उन सबको सफाई करनी चाहिए आपको। देन कॉमन कोल्ड, जो बहुत ही कॉमन है, इसीलिए इसका नाम ही कॉमन कोल्ड है। जुकाम वायरस से होता है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। प्रिवेंशन यह है कि आप उन लोगों से दूर रहिए जिनके बीमारी है। और कौन कौन सी डिसीज़ है, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज, डायरिया, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन वायरस वाले कैसे होते हैं, ये आपको टेबल पूरी पढ़ाई करनी है, पूरी पढ़नी है, ठीक है। और जिसमें से आपको चार बैक्टीरिया, चार वायरस की डिसीज़ याद करनी है, ठीक है ना। बात आती है प्रिवेंशन की, कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। तो दो चार वेज है। पहला तो है बाई टेकिंग द प्रॉपर मेडिसिन,
आप मेडिसिन लीजिए प्रॉपर। दूसरी कि जो वो इंसेक्ट हैं, मॉस्किटोज वगैरह हैं, हाउस फ्लाई हैं, उनको मार दीजिए। तीसरा कि आपके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साफ़ सफाई रखिए और खाने को सुरक्षित रखिए, ढक के रखना चाहिए खाने को हमेशा। और क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन बाय टेकिंग बाथ डेली, वियरिंग क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स, डेली नहाना चाहिए, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपना जो हाउस है और जो सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा जो है वो गार्बेज बॉक्स में ही डालना चाहिए। गार्बेज भी दो टाइप्स की हैं, ब्लू और कौन सा है, ब्लू है और एक कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन में गीला कूड़ा डालना चाहिए, ब्लू में सूखा कचरा डालना चाहिए, ठीक है। आप जो आपके नाखून हैं वो आप डेली कट होने चाहिए, पानी स्वच्छ पीना चाहिए, जितना भी फूड और अदर जो भी खाने का सामान है वो ढका होना चाहिए, खाने खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो ये सब क्या है, ये दीज आर द प्रिकॉशंस हैं। रेनी सीज़न हो रहा हो तो गर्म पानी पीना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट धोकर खाने चाहिए, दीज आर द प्रिकॉशंस। और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं कि जो इन्फेक्शियस डिसीज जैसे जो लोग हैं जो बीमार हैं उनसे अलग रहना चाहिए, ठीक है। और छोटे छोटे चिल्ड्रंस को क्या कर देना चाहिए, उनको हम वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए टाइम टू टाइम। खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, और लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए कि खुले में आप शौच करने जाइए, उनसे बोलिए कि अपने घर का टॉयलेट यूज़ करें। और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, भरपूर मात्रा में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर, और क्यों बीमारी हो सकती है, और कोई बीमारी नहीं हो सकती जब आप एक्सरसाइज डेली करोगे, अच्छे से रहोगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं कि एक डिसीज़ का नाम बताइए जो ह्यूमन बींग्स में वायरस के थ्रू होती है, ये अपने आप करने हैं, और जो नहीं आता है वो आपको कमेंट के थ्रू पूछना है, ठीक है। अब कुछ ये तो बात थी ह्यूमन्स की, अब बात आती है एनिमल्स की। एनिमल्स भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी डिसीज़ होती हैं, खासकर वो सारे एनिमल्स जो डेयरी में यूज किए जाते हैं, जैसे बफेलो हुआ, काउ हुआ, गोट हुआ। तो इनके कौन कौन से टाइप हैं, कैसे कैसे हैं कि एक पैरासाइटिक, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। एनिमल सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज शो द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर कोई जानवर बीमार है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं कि वो इनएक्टिव हो जाता है, सुस्त हो जाता है, खाना खाना छोड़ देता है, उनके आँखों में से पानी निकलता रहता है, और जो सलाइवा उनके मुंह की जो लार है वो हमेशा बहती रहती है, दूध कम हो जाता है, अंडे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। पैरासाइट्स गेट देयर, पैरासाइट्स क्या होते हैं, देखो पैरासाइट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और उसको कमज़ोर बना देते हैं, या तो उसके ऊपर रहेंगे या इसके बॉडी के अंदर रहेंगे। तो दो टाइप्स के, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल पैरासाइट स्किन पे रहते हैं जो कि स्किन डिसीज़ करते हैं, इंटरनल पैरासाइट पेट के अंदर रहते हैं इसीलिए वो स्टमक और इंटेस्टाइन डिसीज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस करते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस हैं कि देखो 4 से लेकर 8 तक बैक्टीरियल डिसीज़ हैं और 1 से लेकर 3 तक वायरस डिसीज़ हैं। जैसे काव बफेलो में ज़्यादा पॉक्स हो जाता है, डर्मेटाइटिस गॉट और शेप में होते हैं, फूट और माउथ डिसीज़ कैटल्स में होती है। तो ये सब हैं आपके फूट और माउथ डिसीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं कि बहुत ज़्यादा लार निकलती है, जो माउथ होता है वो रेडिश हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं फूड्स पे और माउथ पे। प्रिवेंशन कैसे रख सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन दें, डाइट कंट्रोल अच्छी दें, रेस्ट अच्छा दें, अच्छे से ट्रीटमेंट करें, वैक्सीनेशन करवाएं, टीकाकरण करवाएं, और सबसे बड़ा तो मेन ये है कि साफ रहें और सुरक्षित रहें और साफ़ सुथरा रखें माहौल को। कुछ डिसीज़ प्लांट्स को भी होती हैं, कौन कौन से प्लांट्स को होते हैं, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, पटेटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, कॉटन। तो अब प्लांट्स की हम देख लेते हैं, जैसे प्लांट्स वीट का प्लांट है उसको कौन सी डिसीज़ होती है, रस्ट, उसको बोलते हैं रस्ट, जो किसके थ्रू होती है, फंजाई के थ्रू होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा, एयर के थ्रू या सीड के थ्रू। वीट में कौन सी डिसीज़ होती है, स्मूट, याद करनी है आपको, फंजाई के थ्रू होती है, ठीक है। और राइस में उस डिसीज़ का नाम है ब्लास्ट। ऑरेंज में कौन सी होती है, सिट्रस कैंकर। और भिंडी में कौन सी होती है, येल्लो वीन मोज़ेक। ये डिसीज़ के कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ब्लास्ट किससे थ्रू होता है, फंजाई के थ्रू, सिट्रस कैंकर किससे होता है, बैक्टीरिया के थ्रू।
तो होता क्या है कि जो प्लांट की डिसीजेज होती हैं वो पैदावार को कम कर देती हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पैदावार को कम कर देती हैं। और आप सबको पता ही है कि इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए या फंगीसाइड डाल दीजिए क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने के लिए, और जितनी भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करना, किल कर देगा स्प्रेइंग करके, ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जो नहीं आता वो आप पूछेंगे कमेंट करके, ठीक है। अब बात आती है फूड पॉइजनिंग की। अगर हम देखो फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि फूड इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शंस ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन इट ऑर्डर टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, आप सबको ही पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, विटामिन, तो ये बहुत दिन तक ये अगर खाना रखा रहता है तो सड़ जाता है खाना। क्यों सड़ जाता है, क्योंकि उस खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ, फंजाई की ग्रोथ, और बैक्टीरिया फंजाई की ग्रोथ बहुत जल्दी बहुत तेज़ी गति से होती है, ठीक है, जब नमी वाली कंडीशंस आ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रेनी सीजन में जल्दी से खाना सड़ जाता है। अगर उस खाने को हम खा लें तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस हो जाते हैं। उस जहरीले पदार्थ की वजह से हमारे पेट में दर्द होता है, हमें क्या कौन सी कंडीशन आती है, फूड पॉइजनिंग की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। द फूड सो स्पॉइल्ड बाई माइक्रोब्स और टॉक्सिन कॉजेज फूड पॉइजनिंग। तो वो जो फूड होता है उसमें से कैसी बदबू आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बहुत बेकार स्मेल आती है। जैसे आप मान लो कि आपने मीट बनाया या फिर रोटी बनाई है, उनको रख दो 10-12 दिन तक, तो खुद ही देख लोगे उसमें से स्मेल आने लग रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स ने जन्म ले लिया है, नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिम्टम्स क्या हैं कारण, देखो सर में दर्द होगा, फीवर आएगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाई कौन कौन से, फूड पॉइजनिंग कैसे कॉज्ड होता है, किस किस कारण है, बैक्टीरिया से या फिर वायरल फंजाई से। कॉमन कौन कौन से हैं, सेलोमिनेला, ये क्या है, दीज आर दी कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से, बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, याद रखने, सेलोमिनेला, स्टाइफिलोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडियम बोटिलिनम और एस्परजीलस, ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये खाने के अंदर जहर पैदा करते हैं। वो जहर आपके पेट में जाता है जिसके थ्रू आपको ये वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर और डायरिया होता है, ठीक है। तो ये होता है फूड पॉइजनिंग। फूड प्रिजर्वेशन, अब खाने की देखभाल कैसे हम उसको बचा सकते हैं, फ्रीज में रख दो, ठीक है, और लोअर टेम्परेचर पे रख दो, तो ये हम आपको कल बताएंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखना, और जितना भी है वो सब चल ही रहा है आपका, और खाने का चल रहा है, तो अपने घर में भी आप अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाएं, ठीक है, क्लीन करके रखें, नहाएं समय से, नाखून काटें। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।